मंगलवार को सोलन बाजार में बच्चे व अभिभावक स्कूल खुलने को लेकर उत्साहित नजर आए। सुबह करीब 11 बजे से सोलन शहर की विभिन्न स्टेशनरी दुकानों पर अभिभावकों ने बच्चों के लिए कॉपी, पेंसिल, किताबें व अन्य चीजों की खरीदारी की। इस दौरान कुछ अभिभावकों ने दिव्य हिमाचल से बात करते हुए कहा कि स्कूल खुलने को लेकर बच्चों में काफी खुशी है। वे साथ ही बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म व अन्य चीजें खरीदने के लिए सोलन बाजार पहुँचे हैं। जी, मेरा नाम निवेदिता है। यूनिफॉर्म खरीदने आए हैं, स्कूल ओपन हो रहे हैं 17 से, उसके लिए शॉपिंग करने आए हैं बच्चों के लिए, यूनिफॉर्म वगैरह सारा कुछ, बुक्स वगैरह लेने कल के पास स्कूल ओपन हो रहे हैं बच्चों के लिए। अच्छा है, सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लेंगे और सब ठीक है उनके लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सब बढ़िया है। संसार के रास्ते ओपन हो रहे हैं। जी, मेरा नाम मोनिका ठाकुर है। हमारे डेली स्कूल में रहते हैं, खुल रहे हैं तो हम पेरेंट्स में तो वैसे उत्साह ही इस बात को लेकर, लोग बोल रहे थे कोरोना में स्कूल नहीं खुलने चाहिए, क्यों नहीं खुलना चाहिए अगर बच्चे मार्केट में घूम रहे हैं, शादियाँ अटेंड कर रहे हैं, मुझे तो लगता है स्कूल अटेंड करने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। बाकी हम तो खुश हैं, अच्छी बात है स्कूल खुल रहे हैं और हम तो नहीं चाहेंगे कि अब स्कूल बंद ना हो। बाकी अब यूनिफॉर्म खेलने आए हैं यहाँ पर। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ मोहिनी सूद की रिपोर्ट।